जमाते इस्लामिया संगठन दुले की विधायक आरिफ शाह, इन्होंने केंद्र सरकार के एनआरसी को लेकर जमकर रोष व्यक्त किया। आइए डालते एक नजर। मुस्लिम एकता परिषद के इस समय में कल जो जुलूस निकला था, उस जुलूस का जिसका जो नेतृत्व तो करने वाले थे ऐसे धुले के विधायक फारूक शाह साहब हमारे साथ में, आइए उनसे जानना चाहेंगे। शाह साहब, जिस प्रकार से जो कल बड़ी संख्या में जुलूस निकला, ऐसा कहा जाता है कि अब तक के अधिवेशन पे जितने जुलूस निकले उस सब में बड़ी संख्या वाला एक जुलूस जमात इस्लामिक मुस्लिम परिषद का था, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में और क्या मांगे आपकी है? ये जो जुलूस था जमात इस्लामी के साथ साथ विविध संगठनाओं का था, और उसमें सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि हमारे दलित भाई भी उसमें शामिल थे, और उनका जनक्षोभ था। और सबसे मेन मांग हमारी ये थी कि जिस तरह से अदर 5 स्टेट्स में ये CA और NRC कायदा लागू करने से जो 5 राज्यों ने मना किया है, उसी तरह से महाराष्ट्र में भी लागू नहीं होना चाहिए और मुस्लिम आरक्षण 5% होना चाहिए। इस सिलसिले में हमने कल मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हम लोग भी CA और NRC के खिलाफ ही हम लोग यहाँ से कदम उठाएंगे। सर, जिस प्रकार से 5 राज्यों में तो उन्होंने उसको हामी भर दिया लेकिन नहीं कहा, NRC को रद्द बदल करने की बात की है, लेकिन जब महाराष्ट्र राज्य की बात आती राज्य ने तो इसको हामी भर दिया। ऐसे समय में सरकार आपकी इन बातों को दरकिनार करते हुए नजर आ रही है, भविष्य में आपकी अगली रणनीति क्या होगी? अगर हुकूमत महाराष्ट्र के इनकार करने के बावजूद भी अगर महाराष्ट्र में कायदा लागू किया जाता है तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि सिख, दलित और सभी मिलकर बहुत ही तीव्र अंदाज में आंदोलन करने वाले हैं। क्या लगता है आपको, आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोकतंत्र में जीने वाले जो लोग हैं क्या सही मायने में खुली सांस ले पा रहे हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर पूरे देश में एक हड़कंप मचा हुआ है, खलबली मची हुई है, और यहाँ पर जो जन सामान्य लोग हैं उनकी जिंदगी जीना उनके लिए मुश्किल हो गया है। ऐसे में क्या कहना चाहोगे? ऐसे में हम यही कहना चाहेंगे मोदी सरकार के कि जो उन्होंने ये कायदा लागू किया है उसको रद्द किया जाए। NRC ये जो कायदा जो इसके ऊपर अमल जो किया जा रहा है उसको जल्द से जल्द रद्द किया जाए, अगर रद्द नहीं किया जाए तो आने वाले दिनों में मुस्लिमों का जो रोष है, मुस्लिम भाइयों का वो रोष बहुत बड़े पैमाने पे व्याप्त हो सकता है, जिसका खामियाजा जिसका भुगतना जो है आने वाले दिनों में चाहे केंद्र हो राज्य सरकार को इसको जरूर उनके नतीजों का आगे आना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से इन लोगों के ऊपर में अन्याय अत्याचार हुआ है, इन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, तमाम काम काजों को लेकर मुस्लिम लोगों को जो मुस्लिम भाई लोग हैं जो उनको अलग थलग रखा जा रहा है, ऐसे में देश एक है क्योंकि देश को आजादी दिलाने में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध ये तमाम लोगों के संप्रदाय के जाति पंथ के धर्म के लोग थे जो सब मिलकर जिन्होंने सामना किया, ऐसे होने के बावजूद भी जब देश आजाद हुआ, देश को आजाद हुआ 72 साल के आसपास बीत चुके, मगर अफसोस कि आज भी देश का प्रत्येक नागरिक हर धर्म का जो व्यक्ति है वो आज भी आजाद सही मायने में नहीं हुआ, क्या इसे लोकतंत्र कहना चाहेंगे? लोकतंत्र में जीना है तो लोकतंत्र में जीने वाले लोगों के साथ न्याय हो, उनको मूलभूत सुविधा मिले, और जिस प्रकार के ये जो कामकाज जो दिन ब दिन हो रहे हैं आपस में एक जो दूरियां जो निर्माण हो रही है उसको कहीं ना कहीं खत्म करें, क्योंकि कहते हैं ना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है मतन के हिंदुस्तान हमारा। विधान भवन से कैमरा पर्सन मोहर के साथ संजय मीरे, NBCN न्यूज, नागपुर।